बड़ी खबर पश्चिमी चंपारण के बेतिया से आ रही है, जहां आजाद समाज पार्टी के द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार को दलित विरोधी और लोमड़ी कहा गया है। आपको बता दें कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा बेतिया के अंबेडकर नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें पार्टी के नए कार्यकर्ताओं को उनके पद पर नियुक्त किया गया। इसी दौरान आजाद समाज पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद ने कुछ ऐसा कह दिया, जिससे वहां पर बैठे लोग आश्चर्यचकित हो गए। जौहर आजाद ने अपने संबोधन में कहा कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोमड़ी मानता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बहुजन नेता नहीं है, अब वह खाकी चड्डी वाले नेता बन गए हैं, क्योंकि शायद उन्होंने आरएसएस की सदस्यता ले ली है और नीतीश कुमार लगातार दलित विरोधी कार्य कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार को मैं लोमड़ी मानता हूं, क्योंकि नीतीश कुमार अब बहुजन नेता नहीं रह गए, वो खाकी चड्डी वाले नेता, वो ऐसे नेता हो गए जो दलित विरोधी कार्य कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस की सदस्यता उन्होंने शायद ले ली है। इससे पहले के कार्यकाल हमने देखे थे, लेकिन इधर 5 सालों से उनकी विचारधारा में बहुत बदलाव आया। साथ ही भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपक राम ने अपने संबोधन में कुछ ऐसा कहा जो सोच से भी परे है। दीपक राम ने कहा कि भीम आर्मी के द्वारा जो मजदूरों और दलितों पर शोषण किया जा रहा था, वह आज भी कहीं पढ़ने पर या कहीं जाने पर दलित और मुसलमानों पर किया जा रहा है। उनके कहने का मतलब था जो भीम आर्मी के द्वारा गरीबों पे, मजदूरों पे, महिलाओं पे जो शोषण किया जा रहा था, और आज भी वैसा ही शोषण कहीं पे पढ़ने पे जाने पे कहीं टीचर के द्वारा दलितों पे, मुसलमानों पे अत्याचार किया जाता है।